नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दिल्ली में हूं, बहुत देर राजनीति का प्रोग्राम करना था मुझे, बहुत देर तो मैं इंटरनेट से जूझता रहा। मुझे बड़ी हंसी आ रही है, एक साल पहले प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि 5G लागू हो गया है, 6G की तरफ जा रहे हैं, 5G से बिल्कुल करंट की तरह आपका इंटरनेट चलेगा। लेकिन दिल्ली में, देश की राजधानी में, इंटरनेट का ये हाल है। संडे का दिन है और आप सबको राजीव जी का इंतजार होता है, दुनिया के जाने माने ज्योतिषी हैं। एक हादसा हो गया तो परिवार में एक बार शो नहीं कर पाए थे संडे को, तो दुनिया भर से मेरे पास से मेल और फोन आने लगे कि आज राजीव जी का प्रोग्राम कहाँ है। राजीव जी पेशे से इंजीनियर हैं, फिर उन्होंने शौकिया ज्योतिष पढ़ना शुरू किया और फिर काफी अध्ययन वो करते चले गए। राजीव जी की भविष्यवाणियां सही भी हुई हैं, गलत भी हुई हैं। पिछले राज्यों के चुनाव के लेकर भविष्यवाणियां उनकी गलत हुई थी, लेकिन इस बार वो फिर भविष्यवाणी कर रहे हैं हरियाणा और महाराष्ट्र को लेकर। लेकिन इस बार जो मेरी बातचीत हुई उसमें उन्होंने अमित शाह जी के स्वास्थ्य को लेकर, अमित शाह जी के राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ी गंभीर और खतरनाक बातें की हैं। मैं कामना करूंगा किसी भी राजनेता के जीवन में कुछ भी खराब ना घटे, आप भी अपने कर्म ठीक करें, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन खतरनाक बातें हैं। हर बार के प्रोग्राम की तरह मैं इस बार भी आपसे कहूंगा कि अगर आपका ज्योतिष में यकीन हो तो ये प्रोग्राम देखिए, ज्योतिष में यकीन ना हो तो मत देखिए। मेरा ज्योतिष में यकीन है इसलिए मैं ये कार्यक्रम करता हूं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ज्योतिष एक विद्या है। अब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, तमाम देश के विश्वविद्यालयों में ज्योतिष पढ़ाई जाती है, तो इसलिए ज्योतिष पे हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते। राजीव जी ने आज बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से कुछ बातें कही हैं, तो मेरा अनुरोध है कि आपको ये वीडियो पूरा सुनना चाहिए। एक अच्छी खबर मैं आपको दूं कि हमने जो 4 PM म्यूजिक लॉन्च किया था पूरे देश भर से, उसमें बहुत प्यार आप लोग का मिला। एक नया प्रयोग उसमें किया है हमने, फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक कहानी थी, उस कहानी पे एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। पंकज त्रिपाठी जी का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि उनके मित्र एक एक्टर हैं बहुत बड़े, पंकज त्रिपाठी जी ने उनके संग नाटक किया है, तो वो एक मुख्य किरदार के रूप में है। छोटी सी 6-7 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म है, गाने उनके साथ हैं। बहुत बड़े संकेत आज के देश की जाति व्यवस्था पर ये देती है, बहुत जल्दी हम रिलीज करने वाले हैं। ये थंबनेल आप उसका देख रहे हैं। तो 4PM म्यूजिक हमारा चैनल है, आप यूट्यूब पे जाएंगे, 4PM म्यूजिक खोलेंगे, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि संगीत भी जीवन में एक नई प्रेरणा देता है। हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि इस पे आपको बहुत संगीत से जुड़ी बहुत सारी अच्छी चीजें मिलती रहे। चलते हैं राजीव जी के पास इस अनुरोध के साथ। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया है सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। राजीव जी के पास चलते हैं, सुनते हैं कि क्या खतरनाक बातें आज वो करने जा रहे हैं। 4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव जी आपका। और मैं क्षमा चाहता हूँ, आप इतने व्यस्त हैं आजकल बिटिया की शादी की तैयारियों में, तब भी मैं आपके से अनुरोध करके कार्यक्रम के लिए समय निकाल लेता हूँ, क्योंकि संडे के दिन अगर किसी दिन एक बार ऐसा हादसा हो गया था, प्रोग्राम नहीं आ पाया था, तो एक घंटे के अंदर कम से कम 50-60 मेल अलग अलग देशों से, अलग अलग देशों से आए, ऑस्ट्रेलिया से, यानी कहाँ कहाँ से, कि यार राजीव जी का प्रोग्राम कहाँ है, राजीव जी का प्रोग्राम कहाँ है। तो आपकी ख्याति पूरी दुनिया में फैली हुई है, इसलिए मैंने अनुरोध किया कि भैया शादी तो है ही है, लेकिन आधा घंटे का समय निकाल दीजिए। शुरुआत करता हूँ राजीव जी, और बहुत ही थोड़ी सी आपको बुरा लगेगा, लेकिन उस बात से शुरुआत करता हूँ कि पिछली बार आपने जो भविष्यवाणी की थी राज्यों के चुनाव के, वो सही नहीं हुई, तो दर्शकों ने खूब गरियाया भी, आपको भी मुझे भी, कि भैया देखो भविष्यवाणी गलत कैसे हो गई। खैर, फिर पिछले शो में आपने पूरे कारण दिए थे कि क्या क्या लॉजिक है, क्या क्या तर्क है, लेकिन इसमें मैं फिर खतरा लेके वही बात पूछना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तिथि का अनाउंस हो गया, दोनों सेनाएं सज गई, अपने तलवार तीर कमान निकल आए। महाराष्ट्र में तो उन्होंने बीजेपी ने योजनाओं की झड़ी लगा दी, लाडली बहन लाडला भाई योजना, क्या क्या, तो आपके गृह नक्षत्र क्या बताते हैं, क्या तस्वीर है, क्या होने वाला है महाराष्ट्र में और झारखंड में? हाँ, देखिए पहले तो दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, पिछले प्रोग्राम में भी मैंने क्या नाम है एक्सप्लेन किया था कि भी भविष्यवाणी को आप किस रूप में देखेंगे, क्योंकि अगर हम किसी राज्य की भविष्यवाणी के लिए बात करते हैं कि भी कांग्रेस का अच्छा समय है, बीजेपी के लिए खराब समय है, तो उसको उस एंगल से देखना चाहिए, क्योंकि देखिए ज्योतिष में सीटों का तो कोई प्रोसेस नहीं है, वो मैंने पहले ही हर प्रोग्राम में कहा कि सीटें तो तब बताई जा सकती हैं जब इंडिविजुअल हॉरोस्कोप को देखें। तो मैं आज दर्शकों के लिए, ये जानकारी के लिए दर्शकों से ही पूछता हूं कि आप ये बताइए कि अगर आप एक नई न्यू व्हीकल शोरूम से निकाल कर लाइए संजय जी, और उस व्हीकल की कोई गारंटी है कि वो ठुकेगी नहीं या उसका एक्सीडेंट नहीं होगा, तो उसका एक्सीडेंट और जो है उसका डैमेज होना किसके हाथ में, किसके कारण हो रहा है? गाड़ी तो नहीं है,
उसमें जो बैठा हुआ ड्राइवर है, तो ड्राइवर का रोल बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमारे सामने कभी कभी एस्ट्रोलॉजर के सामने मजबूरी ये होती है कि जो चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट अनाउंस किया जाता उसके स्टार्स और पार्टी के स्टार्स को देख करके भविष्यवाणी की जाए तो शत प्रतिशत सही साबित होगी। हरियाणा के केस में हमारे पास में ऐसा कोई साधन नहीं था, हम तो केवल कांग्रेस और बीजेपी की कुंडली से बात कर रहे थे। क्योंकि मान लीजिए अगर फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हॉरोस्कोप में अगर राजयोग नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं बनना, तो कोई ना कोई कारण ऐसा बनेगा कि उनसे गलत निर्णय हो जाएंगे, गलत कैंडिडेट के सिलेक्शन हो जाएंगे, गलत टिकट बढ़ जाएंगे, कुछ भी गलत उनका प्रचार हो सकता है, उनकी खुद की हेल्थ खराब हो सकती है, सेहत का भी तो आ सकता है। भाई एक महीना भर आप प्रचार करते हो तो सेहत की वजह से भी, तो कोई ना कोई हर्डल आएगी कि वो ऊपर वाला आपको वहां तक पहुंचने नहीं देगा। तो इसी तरह से जब आपने तीन राज्यों की जो दो राज्य अभी जो चुनाव हुए हैं, तो यहां मेरा होमवर्क बहुत अच्छा है। यहां होमवर्क मेरा इसलिए अच्छा है कि मैं आपको अपना पुरानी ट्वीट जरूर भेजूंगा कि मैं ही एकमात्र ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूं जो पिछले आपके चुनाव में 2019 में जब हुए थे महाराष्ट्र के और क्या नाम है झारखंड के, दोनों में भविष्यवाणी मेरी ठीक थी। मतलब उस समय कोई आकलन नहीं कर रहा था, मैंने ट्वीट आप शेयर करिएगा दर्शकों के साथ, मैंने कहा था कि उद्धव ठाकरे का राजयोग है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और मजेदार बात यह हुई थी कि वो उसमें बीजेपी ने षडयंत्र करके उसको बैठा दिया था, हम लोग वहां पर रिजल्ट आए थे, और उसको देवेंद्र फडणवीस को बैठा दिया था जिसको इस्तीफा देना पड़ा बीच में ही, राज्यपाल ने बैठाया था ना खंडूरी जी ने, इसी तरह से खंडूरी थे कौन थे जो मुझे नहीं पता, मैं भूल रहा हूं। अच्छा इसी तरह से कोश्यारी जी, अच्छा इसी तरह से आपके जो है झारखंड में भी मैंने हेमंत सोरेन की हॉरोस्कोप देखी थी, तो हेमंत सोरेन की हॉरोस्कोप में भी राजयोग आ रहा था, तब मैंने जाकर के ये कहा कि भाई हेमंत सोरेन बनेगा। और बल्कि मजेदार बात आपको बता दो, वो ट्वीट भी शेयर कीजिएगा कि हेमंत सोरेन की एकमात्र सरकार ऐसी थी जिसने मोदी शाह के सारे टॉर्चर को झेला और उसके बावजूद भी उसे सरकार नहीं गिरा पाए ये लोग, और उसका उस गवर्नमेंट का ओथ का टाइम मैंने निकाल के दिया था। मेरे एक बड़े पत्रकार मित्र हैं, उनके जानने वाले कोई उनके मीडिया एडवाइजर होते थे हेमंत सोरेन के, तो हेमंत सोरेन ने उस टाइम जो मैंने उनको जब टाइम भेजा उन मीडिया एडवाइजर को हेमंत सोरेन के, तो मैं क्या संजय जी देख रहा हूं इंटरेस्टिंगली कि राहुल गांधी से लेकर सब लोग मंच पर पहुंच गए और लगभग 1:45 का टाइम था। मेरी कुछ भविष्यवाणी, मेरा कुछ मुहूर्त का कैलकुलेशन था 2:20 या 22 मिनट, 1:50-55 हो रहे हैं लेकिन कोई ओथ नहीं ली जा रही है और मंच पर सारे गेस्ट मौजूद हैं। तो मैं बड़ा हैरान, मैं टीवी देख रहा, टीवी ऑन करके बैठा हुआ था, मैंने देखते हैं और एग्जैक्टली हेमंत सोरेन ने मेरे दिए हुए टाइम के बाद, वो ट्वीट भी शेयर किया है मैंने लोगों के साथ, आप दिखाइएगा, हेमंत सोरेन ने उसी टाइम पर ओथ ली जिसका नतीजा था कि उसने 5 बरस अपनी पूरी सरकार पूरी की। और अब आगे मैं आपको बताता हूं कि ये जो इलेक्शन अभी अनाउंस हुए हैं इसमें क्या नाम है महाराष्ट्र में और झारखंड में, हाँ जी ये महाराष्ट्र में और इलेक्शन जो अनाउंस हुए ये मैंने हॉरोस्कोप बनाई है, ठीक है जी। और इसमें 15 अक्टूबर को दो मंगलवार के दिन 3:53 पे चुनाव आयुक्त ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये घोषणा की थी, उसी समय आचार संहिता लग जाती है। तो हमारा एक फंडामेंटल सिद्धांत है, हम बार बार दर्शकों को यही कहते हैं कि जब चंद्रमा पीड़ित होगा तो चंद्रमा हमारा पब्लिक का सिग्निफिकेटर है, सूर्य को राजा का सिग्निफिकेटर माना गया है, पब्लिक का परसेप्शन है, पब्लिक की इमोशंस है, पब्लिक की फीलिंग है, संवेदना, तो वो पब्लिक राजा के विरुद्ध मतदान देगी। तो इस कुंडली में भी शनि से पीड़ित हो रहा है चंद्रमा, तो ये इन दो राज्यों में जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके लिए थोड़ा खतरे का समय है। अच्छा इसके बाद इसमें एक कंडीशन फिर भी मैं लगा रहा हूं, ये बात तो झारखंड के हेमंत सोरेन के लिए भी लागू हो जाती है, लेकिन अगर हेमंत सोरेन की हॉरोस्कोप अब मजबूत है तो उनको उसका फायदा जरूर मिलेगा। एक और मैंने इसमें ग्रह दिखा देता हूं जो मैंने पिछली बार नहीं किया, आज मैं साहस करके कह रहा हूं कि इसमें सूर्य, जब चुनाव आयुक्त ने इलेक्शन अनाउंस किया था उस समय सूर्य भी पीड़ित था, तो सूर्य का पीड़ित होना, और सूर्य पीड़ित था राहु केतु के बीच में, मंगल से पीड़ित था, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं, मैंने लिखा है पब्लिक परसेप्शन का सिग्निफिकेट है चंद्रमा पीड़ित है, और नीचे एक राइटअप लिखा हुआ है वो जरूर दिखाइएगा कुंडली जब पहुंचेगी। तो मैंने इसमें लिखा है लेबर क्लास पुअर अंडर प्रिविलेज ट्राइबल्स विल वोट अगेंस्ट रूलिंग गवर्नमेंट एफ्लेक्टेड सन, सूर्य जो पीड़ित है उसका आज मैं
ऑन रिकॉर्ड इस बात को नए सिरे से, जो आज तक कभी मैंने नहीं की थी, अब मैं कहने जा रहा हूं, सूर्य पीड़ित है विच रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट मशीनरी, जिसको कि हिंदी में हम तंत्र कहते हैं, इज एफ्लिक्टेड, हेंस रूलिंग गवर्नमेंट्स इंटेंशंस आर मैलिफाइड, दे मे डू मैनिपुलेशन इन द इलेक्शंस। मैं आज ऑन रिकॉर्ड आपके सामने कह रहा हूं, चूंकि जब चुनाव आयुक्त ने इलेक्शन अनाउंस किया था, उस दिन सूर्य राहु केतु के बीच में कन्या राशि में पीड़ित था। इसका अर्थ है कि इन दो चुनावों में जम के पूरी अपनी शक्ति लगा करके चुनावी तंत्र में जो क्या नाम है, सरकारी तंत्र है, चुनाव में मैनिपुलेशन करेगा। किसकी डायरेक्शन पे? ऊपर वालों की डायरेक्शन पे, जो केंद्र की सरकार है। और आपको बता दें तो उसका प्रत्यक्ष उदाहरण बताता हूं, हमारे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके इलेक्शन कमिश्नर महोदय की सुन रहा था मैं, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और उन्होंने तो एक झटके में सारे आपके पॉलिटिकल एनालिस्ट पंडितों को, एग्जिट पोल को और इन सबको जो है बिल्कुल जो है नकार दिया और उनको लो स्टैंडर्ड का बता दिया और उनको ये तक कह दिया कि इनके पास कोई मेथोडोलॉजी नहीं है, मतलब ये वही तुक्का मार रहे हैं। अब आप बताइए कि इन इलेक्शन महोदयों को, चूंकि मैं आपने आपके प्रोग्राम में बता चुका हूं, पर्सनली मैं जानता हूं, व्हाट्सएप से कनेक्टेड हूं, मैंने लोकसभा के चुनाव से पहले इनको 4-5 दिन पहले एक मैसेज किया था कि राजीव जी आप एग्जिट पोल को रोकिए, ये धोखाधड़ी है, इसकी वजह से स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन होता है। और तब तो उन्होंने रोका नहीं, तब तो उनको उस समय एग्जिट पोल अच्छे लग रहे थे क्योंकि सरकार को फायदा पहुंचा रहे थे। आज उनको एग्जिट पोल इसलिए खराब लग रहे हैं, ओपिनियन पोल या पॉलिटिकल पंडित ये खराब लग रहे हैं, क्योंकि वो जो सरकार की मंशा के विपरीत उनका कोई एनालिसिस थी। तो और इसका उदाहरण सरकारी तंत्र का एक चीज और बता देता हूं, मैंने अखबार में ही पढ़ा था, दर्शकों के साथ शेयर करता हूं। कांग्रेस ने या शिवसेना ने किसी ने कंप्लेंट की थी, जो अभी सिटिंग डीजीपी है, कोई रश्मि शुक्ला है जाने क्या है, उनको हटाने की बात की थी कि इनके अंडर में फेयर इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, उसको चुनाव आयुक्त ने, इन्हीं चुनाव आयुक्त ने मना कर दिया। आपको दर्शकों जानकारी के लिए बताता हूं, कई 2-3 बरस पहले जब ये चुनाव आयुक्त बने थे तो मैंने इनसे कहा था, गुजरात के चुनाव के बाद मेरी पर्सनल बातचीत हुई है और मैंने टीएन सेशन का उदाहरण देते हुए इनसे ये कहा था। आज इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि अब मैंने बताया कि मैं आज से पहले से भविष्यवाणी कर रहा हूं कि चुनावी तंत्र सरकार के साथ मिलकर के विपक्ष के खिलाफ साजिश करेगा, आप सब लोगों को, जनता को और विपक्षी नेताओं को, सबको चौंकाना रहना। तो मैंने इनसे जब टीएन सेशन का उदाहरण दिया, मैंने कहा वो तो बहुत अच्छा काम करते थे, आपको भी ऐसा काम करना चाहिए। कारण यह है, वो क्या करते थे कि जिस स्टेट की इलेक्शन में है वहां के डीजीपी को और पुलिस अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को बदल देते थे, ट्रांसफर कर देते थे, क्योंकि उनके रहते हुए फेयर इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। भाई जिसके अंडर में 5 साल आप काम कर रहे हो, जिसने आपको अपॉइंट किया है, आपका नेचुरल फेवर उनकी तरफ जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बता रहा हूं कि हम खूब, मुझे भी याद है कि जो लोकल पुलिस होती थी वो बाहर बॉर्डर पे, मतलब जो सिटी है, टाउन है, उसके बॉर्डर पे पेट्रोलिंग करती थी, लेकिन अंदर का चुनाव का सारा मैनेजमेंट बाहर की पुलिस के पास होता था। जैसे अगर मान लीजिए हरियाणा में चुनाव है, तमिलनाडु की पुलिस बुला ली जाएगी, आंध्रा की पुलिस बुला ली जाए, तो ये फेयर इलेक्शन हो सकता था, करने नहीं देते वो, जो भी आप मशीनों में हेरा फेरी। तो जानते हैं, इन्हीं चुनाव आयुक्त महोदय का जवाब सुन लीजिए, अरे राजीव जी वो जमाना और था, अब ये जमाना और है। मतलब इतना थका हुआ सा जवाब दिया इन्होंने कि आपके अंदर करेज नहीं है, आपके अंदर ये करेज नहीं है कि इतना जबरदस्त ब्लैक मनी इस्तेमाल हो रहा है, काला धन इस्तेमाल हो रहा है, चुनाव में वोट खरीदे जा रहे हैं, ओपनली खरीदे जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयुक्त को कोई सर्दी गर्मी नहीं है। जबकि इलेक्शन रिफॉर्म में चुनाव आयुक्त को तो यह सबसे बड़ा चाहिए था कि जो भी चुनाव के प्रोसेस में मैनिपुलेशन है, फ्रॉड है, उनको रोकना का काम आपका था। लेकिन आप वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाषण दे रहे थे और आपका रवैया देखिए कितना, एटीट्यूड कितना इनका निगेटिव और एरोगेंट है कि जब विपक्षी पार्टी, मेन पार्टी कांग्रेस ने कंप्लेंट की थी तो जिस तरह से वो वहां पर उसका जवाब दिया गया था, जैसे कि आप उनको डांट रहे हैं, उनको फटकार लगा रहे हैं विपक्षी पार्टी को, जबकि ब्यूरोक्रेट्स की इतनी हिम्मत हो सकती है जो जनता से के बीच में से जाए, नेता निकल के आते हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डेमोक्रेसी में पब्लिक राजा होती है। तो जो राजा का रिप्रेजेंटेटिव है आप उसको डांट रहे हो कि आप ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, जबकि बाबुओं का काम क्या होता है, चुनाव आयुक्त भी बाबू ही हैं, उन बाबुओं का क्या काम होता है? आपके पास कंप्लेंट गई थी तो आपको पोलाइटली ये कहना चाहिए, ठीक है वी विल लुक इनटू द मैटर, हम आपकी जांच इसकी पड़ताल करेंगे,
लेकिन आप डांट रहे हैं कि ये सब गलत है, और आप जुडिशियस कैसे हो सकते हैं? कंप्लेंट करते ही आप ये कह देते हैं कि नहीं ये सब गलत है, ये सब फर्जी है। तो इससे इंटेंशन ये लगता है कि ये पूरी की पूरी स्लेवरी है। ये पूरा मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि चुनाव आयोग की जो इमेज कभी भी इस देश में अच्छी नहीं रहेगी। हाँ, व्यक्ति विशेष कभी चुनाव आयोग तो अच्छा आएगा तो जरूर करेगा। वैसे भी राजीव जी की कुंडली में तो आपको मैं बताऊं, वैसे भी उनकी हॉरोस्कोप में एरोगेंस का बहुत ज्यादा है, ईगोइस्ट बहुत है, उनकी हॉरोस्कोप में प्रॉमिस है। और राजीव जी से याद आया, मैंने हंस के लोगों को एक ट्वीट शेयर किया था, आज ऑडियंस के सामने बताता हूं। अभी 3-4 दिन पहले राजीव जी फंस गए वहां पर 12,000 फीट की ऊंचाई पर उत्तरांचल में, और वहां पर उनकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। और वहां पर जो वो तो सोचिए, बेंगलोर के कुछ ट्रैकर थे जिन्होंने ट्रेस आउट किया, वरना इनको वहां पर अता पता ही नहीं लग रहा था, कोई ढूंढने वाला नहीं। फिर उन ट्रैकर्स ने उनको ले जाके किसी एक ऐसे घर में जहां कोई नहीं रहता है, उस घर में छिपाया, क्योंकि रात को रुकने की जगह थी। 17 घंटे बाद इनको बचाया गया जा सका था, 17 आवर्स के बाद इनको रेस्क्यू किया गया था। 17 आवर्स में ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर महोदय प्लस उनके 1-2-7 अधिकारी 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में बिना गर्म कपड़ों के रहे हैं। तो परमात्मा ने आपको एक झलक तो दे दी है कि सुन लो, ऊपर हवा में से उठा लिए जाओगे अगर आपने अगर इस तरह से किया तो। अभी तो एक झलक दिखाई है परमात्मा ने। और आपको बताऊं कि ना वहां पर बिजली थी, ना पानी था, ना खाने के लिए। उन ट्रैकर्स ने कुछ लकड़ियां जला करके, ये सब अखबार में रिपोर्ट आई है पूरी, लकड़ियां जला के इनको थोड़ी गर्माहट मिल जाए इस तरह। 17 घंटे तक ये भूखे प्यासे रहे हैं। तो राजीव जी आप सुन लीजिए, ये परमात्मा ने आपको चेतावनी दी है कि ये एक लास्ट मोमेंट है। इससे पहले भी ये महोदय एक बार मैं फोन पर ही बातचीत से बाद में पता लगा, उन्होंने कहा भाई मैं 3 दिन अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, इनकी सांस बंद हो गई थी, मतलब ब्रेथलेसनेस का है। तो ये मैं इसलिए इन लोगों को चेतावनी देता हूं, क्योंकि मेरा काम है आपको बताना कि आप धर्म के रास्ते पर चलो, संविधान की रक्षा करना आपका सबसे परम कर्तव्य है। कोई राजा आए जाए उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर संविधान नहीं रहेगा तो ये देश नहीं रहेगा और मानवता खत्म हो जाएगी। तो ये मैंने इसलिए आज ये सारी डिटेल जानकारी ये दी क्योंकि इसमें लिखा है इलेक्शन में ब्लैक मनी धनबल बाहुबल का सत्ता द्वारा दुरुपयोग अवश्य होगा, क्योंकि इसी कुंडली में धन भाव भी पीड़ित है। इस कुंडली में मान लीजिए, मतलब आप जान लीजिए कि सत्ता जबरदस्त धनबल का इस्तेमाल करने वाली है। ये जितनी भी अभी स्कीम दी जा रही है, जितने भी इसके, और अभी विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयुक्त को शिकायत भी की है कि किस तरह से इलेक्शन अनाउंस होने के बाद अपॉइंटमेंट्स किए जा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई एक्शन की रिपोर्ट नहीं आई होगी आपके पास में। मोदी जी ने इतनी बार वायलेशन किया है आचार संहिता का, लेकिन आज तक इस चुनाव आयुक्त ने, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये चुनाव आयुक्त एग्जिट पोल को, पॉलिटिकल पंडित्स को, एनालिस्टों को जो है गलत ठहरा रहे हैं, उनके अंदर फॉल्ट देख रहे हैं, लेकिन अपनी वर्किंग में उनको फॉल्ट नजर नहीं आता कि ये तो किसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन पर बैठने लायक इनका मोरल कैसे है मुझे भगवान जाने, मैं पता नहीं। अब मैं एक चीज और दिखा रहा हूं आपको कि एक हॉरोस्कोप जो है, ये मंगल जो है राशि बदल रहा है, 20 जो आज हमारा 20 तारीख है, 20 तारीख को जो मंगल राशि बदल रहा है, और मंगल नीच का हो जाएगा, और नीच का होकर के ये सूर्य को पीड़ित करेगा, और सूर्य भी नीच का ही है। इसमें मकर लगन के टाइम ये 20 अक्टूबर को 20 अक्टूबर को इतवार के दिन 2:22 पर ये मंगल राशि बदल रहा है, मकर लगन बनेगा जिस समय ये मंगल जो है क्या नाम है राशि बदलेगा। ये शनि को, लग्नेश को, मकर लगन को पीड़ित कर रहा है, शनि को पीड़ित कर रहा है, और साथ में सूर्य को भी पीड़ित कर रहा है, और चंद्र, ये भारत की कुंडली में चंद्रमा की ये चंद्र कुंडली भारत की कुंडली है। इंडिया की चार्ट में मैं अभी दिखाऊंगा, इसके भी अलग मायने हैं संजय जी, इस टॉपिक के ऊपर मैं अभी आता हूं। इस मंगल के कारण देश की छवि के लिए बहुत बड़ा आने वाले टाइम में खतरा है। अब एक चीज मैं जलते जलते दिखाना चाह रहा हूं कि जो हरियाणा में जो ओथ हुई है, एक हॉरोस्कोप और मैंने अपनी तरफ से ले ली है, ये हरियाणा की ओथ हुई है, दर्शक बड़े इच्छुक होंगे। हरियाणा में जो ओथ हुई है 17 अक्टूबर 2024 को 1:23 पर मकर लगन में, ये एक मूवेबल साइन है। ओथ लेने का, शपथ का, राजाभिषेक का एक फंडामेंटल सिद्धांत है कि लग्न जो है स्थिर लेना चाहिए, जो फिक्स साइन होते हैं। फिक्स साइन दर्शकों की जानकारी के पुनः बता देता हूं, 2, 5, 8, 11
दो वृषभ राशि है, पांच सिंह राशि है, 11 कुंभ राशि है और 8 वृश्चिक राशि है। ये लगन सिलेक्ट किए जाते हैं जिसमें कि आपको ओत लेनी चाहिए, मतलब आप सत्ता पर टिकेंगे। अच्छा, इसमें क्या है, चर लगन ले लिया, मूवेबल, जिसमें बदलाव आने का संकेत है। तो दर्शकों मैं बताता हूं, जिन चीफ मिनिस्टर महोदय ने ये सरकार की शपथ ली है 17 अक्टूबर को, बड़े ताम झाम और शो पंप एंड शो के साथ में 50,000 मोदी जी से लेकर सारे लोग मंत्री लोग पहुंचे थे, 50,000 की भीड़ इकट्ठी थी, ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, ये कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें ज्योतिष का सिद्धांत लागू हो रहा है। अष्टमेश सूर्य नीच के हैं, जो इनके दसवें घर कर्म स्थान में बैठे हैं सत्ता के में, और मंगल से पीड़ित हो रहे हैं। तो अष्टमेश सूर्य का दसवें घर में जाना और छठवें घर के लॉर्ड बुद्ध का वहां पर पहुंचना, छठवा घर होता है झगड़े फसाद का, डिस्प्यूट का, लीगल लिटिगेशन का भी, अगर किसी लिटिगेशन के कारण इनको इस्तीफा देना पड़े या इनको बैड गवर्नेंस के लिए कोई इस्तीफा देना पड़ा, ये हटाए जाएंगे, ये अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाएंगे जो मिस्टर सैनी है, 17 अक्टूबर 2024 की जो कुंडली है। इसके साथ साथ एक कुंडली और मैंने अपनी तरफ से चर्चा की है, यह है वो चार्ट है इनका JNK की गवर्नमेंट का, जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट बनी है उमर अब्दुल्ला की, ये धनु लगन की कुंडली है और इसमें मंगल जो है इनके पांचवें घर का लॉर्ड है, सातवें हाउस में आया, दसवें घर में सूर्य केतु है, चौथे घर में चंद्रमा और राहु है, शनि इनके तीसरे घर में है और छठवें दसवें घर का लॉर्ड बुध जो है इनके 11वें भाव में है और शुक्र जो इनके 8वें घर में है। ये गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिवली पब्लिक के लिए, पब्लिक के डिस्ट्रेस को हैंडल करते हुए बहुत बड़ा काम करेगी और बहुत एग्रेसिव होगी और बहुत करेजियस गवर्नमेंट होगी। परंतु इस गवर्नमेंट को, चूंकि मैं आपको बता देता हूं सिद्धांत वही लागू होते हैं, इनकी 410 एक्सेस अच्छी नहीं है, 410 एक्सेस अच्छी नहीं है, इसका मतलब है इस सरकार को, उमर अब्दुल्ला को भी सरकार चलाने में नाना प्रकार के कष्ट आएंगे, और नाना प्रकार के किस तरह के कष्ट आएंगे, वर्किंग में कष्ट आएंगे। वहां पर हरियाणा गवर्नमेंट की मैंने कहा कि चीफ मिनिस्टर बदला जाएगा, यहां पर वर्किंग का कष्ट आ रहा है क्योंकि 410 एक्सेस एफ्लिक्टेड है मंगल से और राहु केतु से, सूर्य भी वहां पर है, तो सूर्य पीड़ित होने का जो मैंने सिद्धांत बता दिया, तंत्र मतलब जो ऊपर की सेंटर की लीडरशिप है इसको नाको चने चबा देगी इस गवर्नमेंट को चलाने में। जैसे ही आप दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट को देखते हैं कि केंद्र सरकार कितना इंटरफियर करती है LG के थ्रू, तो यहां पर LG का कंडक्ट बहुत अच्छा नहीं होगा इस सरकार के खिलाफ। एरोगेंट ईगोइस्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर मे क्रिएट मेनी प्रॉब्लम्स फॉर देम विद मेलाफाइड एजेंडा अगेंस्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट विद द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इनकी हॉरोस्कोप में ये कमी आई थी। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस तरह से ये जो हॉरोस्कोप थी मैंने बताई, ये दो ओथ मैंने कवर की हैं, एक हॉरोस्कोप, अब दो हॉरोस्कोप और लेके आता हूं जो मैंने आपको बताया कि सत्ता परिवर्तन हो रहा है दो राज्यों में। आप मेरे पास में एक हेमंत सोरेन की हॉरोस्कोप है झारखंड की, इसकी भविष्यवाणी मैं कर चुका हूं ना पहले, इसीलिए हेमंत सोरेन जी का जन्म 10 अगस्त 1975 को इतवार के दिन 3:47 आफ्टरनून में रामगढ़ जगह है झारखंड में, वहां हुआ था। धनु लगन की कुंडली है, बृहस्पति इनके लग्नेश होकर के पांचवें घर में जबरदस्त राजयोग बना रहे हैं, वृषभ राशि में इनके छठवें घर में मंगल केतु है, इसलिए बहुत बहुत ही बोल्ड है ये, क्या नाम है, हेमंत सोरेन। देखिये जेल में जाने के बाद भी वो ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि मंगल और केतु उनको जबरदस्त शत्रुहंता का योग बना रहे हैं, जबरदस्त ट्रेमेंडस एनर्जी है इनको, मतलब ऑनस्लॉट झेलने की भी और अटैक करने की भी। सूर्य और शनि इनके 8वें घर में है, शुक्र और बुध इनके 9वें घर में है, चंद्रमा इनके 10वें घर में है। एट द टाइम ऑफ इलेक्शन हेमंत विल बी हैविंग दशा ऑफ जुपिटर सैटर्न फ्रॉम 20 अक्टूबर 2024। 20 अक्टूबर से मतलब आज के दिन से ही हेमंत सोरेन की जो दशा है बृहस्पति में शनि की शुरू हो रही है, और शनि इनके तीसरे घर में है और बृहस्पति इनके छठवें घर में है, 410 एक्सिस की एक्सिस बन रही है, दे आर इन 610 एक्सिस, सैटर्न इन थर्ड हाउस विल गिव ट्रेमेंडस एनर्जी टू फाइट विद एक्सीलेंट स्ट्रेटेजी। हेमंत सोरेन बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सो वंस अगेन राजयोग इज फॉर्मिंग फॉर हिम।
तो आप सोचिए, और इलेक्शन पॉसिबल इन वीनस सूक्ष्म दशा, 17 नवंबर से शुरू हो रही है वीनस की दशा जो उनका लाभेश है। तो इसका मतलब यह है कि हेमंत सोरेन की हॉरोस्कोप फिर से वापस सत्ता में आने का योग दिखा रही है, हेमंत सोरेन दोबारा चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इसके बाद एक हॉरोस्कोप और है उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे की जो हॉरोस्कोप है, मैं आपको बताऊं, उद्धव ठाकरे की हॉरोस्कोप में भी वापस राजयोग आ रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की ये जो हॉरोस्कोप है, ये दर्शक देख लें, उद्धव ठाकरे की हॉरोस्कोप 27 जुलाई 1960 का जन्म है, बुधवार का दिन, 10:12 मुंबई का बर्थ है, कन्या लग्न की कुंडली है, बृहस्पति शनि इनके चौथे घर में है, केतु इनके छठवें घर में है, 10वें घर में बुध है और 9वें घर में मंगल है, 11वें भाव में शुक्र और सूर्य है और 12वें भाव में राहु और चंद्रमा। इसीलिए इनको बार बार जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड या हार्ट की प्रॉब्लम इनको हुई है। तो जो इनकी 18 नवंबर से जो अभी करंट में दशा इनकी चल रही है, वो जुपिटर जुपिटर मून की चल रही है, और 18 नवंबर से इनकी जुपिटर सैटर्न की दशा शुरू हो जाए, जुपिटर मून सैटर्न की दशा, जो इनके चौथे घर में सिंहासन के घर में बैठे हुए हैं, इसका अर्थ यह है कि इनके लिए राजयोग फिर से वापस फॉर्म हो रहा है। तो हाँ, उद्धव ठाकरे की हॉरोस्कोप में राजयोग फिर से वापस आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, एक हॉरोस्कोप और शेयर करता हूं महाराष्ट्र के चुनाव के लिए, क्योंकि झारखंड का मैंने कवर किया, महाराष्ट्र के चुनाव में हम कहते हैं कभी कभी हमारे सितारे खराब हों तो हम कितने ही बड़े टैलेंटेड आदमी हैं लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते, और जब ग्रह अगर कमजोर हो तो आप गधे को घोड़ा कभी नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते। आप जितना मर्जी आप चाहे अमित शाह हो, मोदी जी हो, सारे जहान की शक्ति लेके आ जाएं, सारे जहान की पावर, और इलेक्शन कमिश्नर भी वहां पर उल्टे लटक जाएं पूरे 12 साल तक, तो इलेक्शन कमिश्नर महोदय भी इसको नहीं बदल पाएंगे। वो है हॉरोस्कोप देवेंद्र फडणवीस की। देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी का नेता है वहां पर, 22 जुलाई 1977 का जन्म है इनका, सुबह 6:09 नागपुर का बर्थ है, इनकी कर्क लग्न की कुंडली है, सूर्य मंगल इनके लग्न में ही है, बुध के बुध भी साथ में है, इनके सेकंड हाउस में वीनस और केतु है, और चंद्रमा इनका राहु के साथ में अष्टम भाव में, वर्तमान दशा इनकी केतु चंद्र में, उसके बाद केतु मंगल अप्रैल 2025 तक चलेगी। इनके लिए इस समय ये दशाएं 6-8 एक्सिस में है, और संजय जी और डी चार्ट होता है कैरियर का जो चार्ट होता है, मिथुन लगन बनता है उसमें, केतु इनके छठवें भाव में है और मंगल इनके 12वें घर में। तो अतः मैं आपको बता रहा, ये 6-8 की एक्सिस है जो किसी भी तरह से देवेंद्र फडणवीस को सत्ता का सुख नहीं लेने देगी। इस बेचारे पॉलिटिशियन के साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि अभी तक ये अटैचिड हो रहा है, कभी वो शिंदे की अटैचिड हो रहा है, कभी अजीत पवार की अटैचिड हो रहा है, उससे पहले मतलब आप देखिए इनको बनाया गया जो कोश्यारी जी के टाइम में, तो उस समय भी इनको तुरंत 2 दिन के बाद इस्तीफा देना पड़ा। मैंने इनकी हॉरोस्कोप को देखते हुए उसमें प्रेडिक्ट की थी कि ये अमावस्या के दिन इस्तीफा दे देंगे, और एग्जैक्टली उसी दिन उन्होंने रिजाइन किया था, मैंने ये तक बता दो। और किसी ने मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सेव कर रखी थी, वो ऑडियो रिकॉर्ड चाहिए, मैंने कहा ये इस्तीफा दे देगा, और एग्जैक्टली अमावस्या के दिन दिया। सो देवेंद्र फडणवीस की हॉरोस्कोप किसी भी तरह से राजयोग नहीं दिखाती है, जिसके कारण देवेंद्र फडणवीस को कोई क्या नाम है सत्ता में वापसी का संकेत नहीं मिला, और जिसका नुकसान भाजपा को जरूर जरूर उठाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। ये हुआ दो राज्यों का आकलन। एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा है। आपने पहले भी अमित शाह जी की जन्म पत्री को अध्ययन किया था, उनके बारे में बताया था। इधर अमित शाह का नाम विदेशों के कई स्कैंडल में, स्कैंडल मतलब जो विदेश नीति से जुड़ा मामला तो है, लेकिन अमित शाह का नाम आ रहा है, रॉ का मामला आ रहा है, और तरह तरह की चीजें आ रही हैं सामने, क्योंकि देश हित में उन पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम चाहेंगे कि भारत की संप्रभुता कायम रहे। लेकिन जो नाम आ रहा है अमित शाह का, वो बड़ा सेंसिटिव है। अमित शाह के सितारे क्या कह रहे हैं कि क्या विदेश के कुछ स्कैंडल्स में, जासूसी कांड में या अलग अलग चीजों में अमित शाह के सितारे बेहतर हैं? क्या अगले प्रधानमंत्री वो हो सकते हैं? उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? अमित शाह की जन्मपत्री पर आज हम कुछ आपसे चर्चा करना चाहते हैं। बहुत अच्छा। एक और चीज, मैं अमित शाह जी की हॉरोस्कोप पर बात करने से पहले एक चीज बताता हूँ, एक हॉरोस्कोप में अभी और डिस्कस करना चाहे, वो है इंडिया एयरलाइंस की कुंडली। हमने जब हरियाणा की जब इलेक्शन हुआ था तो 2 पार्टी थी, कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन यहां पर अभी हम इंडिया एयरलाइंस के हॉरोस्कोप को जरूर देखेंगे, क्योंकि आप देखिए 2 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं अभी,
और मैंने न्यूज़पेपर में भी इस तरह की चीज पढ़ी थी कि उसमें दो कांग्रेस जहां पर सोलो लड़ रही थी वहां पर उसको उसको किसी भी कारण से सफलता नहीं मिली, लेकिन एक इंडिया एलायंस की एक सरकार बन गई, एक इंडिया एलायंस की टैली में एक नया स्टेट जुड़ गया जेएनके के रूप में। तो मैं दर्शकों ये बताता हूं, ये इंडिया एलायंस की कुंडली आज मैं फिर से चर्चा कर रहा हूं। ये इंडिया एलायंस की कुंडली है 18 जुलाई 2023 की, जो बेंगलोर में फॉर्म हुआ था 4:20 पर दोपहर को। वृश्चिक लग्न की कुंडली, शनि इनके चौथे घर का स्वामी के चौथे घर में है, बृहस्पति राहु के साथ में छठवें घर में, और इनके 9वें घर में चंद्रमा बुध सूर्य है, और 10वें घर में मंगल वीनस है। लग्नेश का मंगल का 10वें घर में पहुंचना ये राजयोग है, और केतु जो है आपके इनके 12वें घर में। संजय जी इसमें मंगल जो है इनके 20 अक्टूबर को भाग्यस्थान में आ रहा है, जबरदस्त राजयोग आ रहा है। इसका अर्थ भी है, अपार्ट फ्रॉम मैंने दो कैंडिडेट की कुंडली चर्चा की, मतलब उद्धव ठाकरे की और हेमंत सोरेन की, आज मैं पार्टी के रूप में जब देखता हूं, संगठन के रूप में, तो है आपकी इसकी दशा भी अभी सुन लीजिए। अभी शनि में शुक्र में जुपिटर चल रही है, और 14 जून 2024 से इनकी शनि शुक्र और शनि वापस दशा शुरू हो रही है। तो हॉरोस्कोप अगर किसी की मजबूत है बीजेपी से भी ज्यादा, तो इंडिया एलायंस की हॉरोस्कोप मजबूत है। इसका अर्थ यह है कि इंडिया एलायंस की हॉरोस्कोप के अनुसार इंडिया एलायंस को गेन होने जा रहा है दोनों राज्यों में इंडिया एलायंस जीतने जा रही है, क्योंकि शनि, आप मजे की बात देखिए, 23 नवंबर को, दर्शक जो जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो सब इस चीज को देख सकते हैं, 23 तारीख को रिजल्ट आएंगे। और संजय जी 15 नवंबर को, 23 नवंबर को रिजल्ट आ रहे हैं, 15 नवंबर को और 20 नवंबर को इलेक्शन है वहां महाराष्ट्र का, और 13 तारीख को है आपका झारखंड का। 15 नवंबर को शनि मार्गी हो रहे हैं, अभी वक्री चल रहे हैं, और इनके कुंभ राशि में ही है जो इनकी जन्म की कुंडली में है, तो ये इनकी कुंडली बहुत बहुत जबरदस्त मजबूत है। अब इसके साथ एक बात मैं अभी करता हूं, अभी जो मैंने कर्क लग्न की कुंडली दिखाई थी, तो इसमें भारत की कुंडली दिखा देता हूं मैं आपको, पहले अमित शाह के ऊपर आने से पहले। ये इंडिया का चार्ट है, इंडिया के चार्ट में मंगल 5 ग्रहों के ऊपर से गोचर करेगा। इंडिया के कुंडली में तीसरे घर में चंद्रमा बुध शनि शुक्र और सूर्य हैं, इनके तीसरे घर में 5 ग्रह हैं, राहु इनके लगन में है, मंगल इनके दूसरे घर में है, छठवें घर में बृहस्पति है, और केतु इनके 7वें घर में है। तो मंगल इस वृषभ लग्न टॉरस लग्न की कुंडली में 12वें घर का लॉर्ड है, 12वां घर होता है प्रदेश का, और वो उसका स्वामी अगर फॉरेन के हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में जाके नीच का हो रहा है, और वहां पर जो जन्म की कुंडली में 5 ग्रहों को प्रभावित कर रहा है, जिसमें छठवें घर का लॉर्ड शुक्र भी है, लग्नेश भी है जो, और सूर्य इनका है वो भी है, और 10वें घर का शनि भी है। तो जो 20 अक्टूबर को दर्शकों मैंने आपके साथ जो कुंडली चर्चा की है राशि बदलने की मंगल की, ये भारत के लिए विदेश नीति के मामले में बहुत सबसे खराब समय है, और थोड़ा बहुत समय नहीं है, ये कम से कम 5 से 6 महीने का समय खराब आ रहा है, क्योंकि यही मंगल, ये मंगल जो है दिसंबर के फर्स्ट वीक में वक्री हो जाएगा, वक्री होकर के फिर ये जनवरी में वापस मिथुन राशि में आएगा, उसके बाद फिर कर्क में जाएगा, मतलब कर्क और मिथुन के साइन में मंगल का गोचर लगभग 4 महीने के आसपास का रहने वाला है। इस दौरान इसमें चूंकि 12वें घर का लॉर्ड है, मंगल जो है बेसिकली जो आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती है ना, रॉ वगैरह, रॉ है, पुलिस है, आपका जो भी इंटरनेशनल या डिफेंस फोर्सेज हैं, ये इंडिकेट करता है कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध बद से बदतर होने वाले हैं। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूं कि हमारी गोदी मीडिया को तो फुर्सत नहीं है, गोदी मीडिया तो उल्टे सीधे चीजें दिखाएगी, गोदी मीडिया तो कभी भी क्या नाम है काम की बातें नहीं करेगी, वो कभी बेरोजगारी पे बात नहीं करेगी, वो कभी इकोनॉमी पे बात नहीं करेगी, कभी ये नहीं बात करेगी कि विदेश नीति हमारी कितनी खराब है। जापान के एक मीडिया अखबार में एक रिपोर्ट आई थी कि भारत की जो मिसगाइडेड फॉरेन पॉलिसी के कारण भारत का साउथ ईस्ट एशिया में कोई भी मित्र नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, ये जापान ने कहा था। और आपको जानकारी के लिए बता दो कि जिस तरह से कनाडा से लेके 5 आईज जो कंट्री हैं, जिसमें कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और क्या नाम है जो है कनाडा, ये जो है और ऑस्ट्रेलिया है 5वां देश,
इनकी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है वो भारत के ऊपर पूरी तरह निगाह रखी हुए हैं। तो ये जो ग्रह का योग बन रहा है इसमें भारत की जन्म कुंडली जिनके पास जो ज्योतिष के जानकार है सब देख लीजिएगा कि चंद्रमा बुध शनि शुक्र और सूर्य के ऊपर से गोचर कर रहा है। तो हम लोग ट्रांजिट में ये देखते हैं कि अगर गोचर का ग्रह कोई पाप ग्रह और नीच का हो जाए उसमें भी क्रूर ग्रह है और अगर वो जन्म की कुंडली के ग्रहों के ऊपर से गोचर करता है इसका मतलब हमारे लिए कष्ट आ रहा है। मतलब आप अगर इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में दर्शकों आपको बता देता हूं अगर जन्म का कोई पाप ग्रह आपके लग्नेश के ऊपर से छठवें घर से ऊपर से कहीं से पीड़ित होकर जा रही है दसवें घर से और नौकरी चली जाएगी आपकी, आप बीमार पड़ सकते हो, आपके यहाँ चोरी हो सकती है, आपके ईडी सीबीआई के छापे लग सकते हैं वगैरह, मतलब नाना प्रकार के कष्ट आएंगे। तो इसी तरह से हम देश की कुंडली जब चर्चा करते हैं तो हमें देश के ऊपर आना पड़ेगा। और आपको जानकारी के लिए दर्शकों ये बता देता हूं कि जो छठवां नौवा घर क्या होता है मंडेन एस्ट्रोलॉजी में, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन MEA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री डिप्लोमेसी, रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज, ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट, फॉरेन ट्रेड, कॉमर्स, शिपिंग, टूरिज्म, साइंस, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, साइंटिफिक सोसाइटी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, जुडिशरी, नेशनल एंड इंटरनेशनल, सी वॉयज, लॉन्ग ट्रेवल, इमिग्रेशन, रिलीजियस प्लेसेस, स्क्रिप्चर्स ऑफ ऑल फेथ इन वार चार्ट, कंट्रीज एफर्ट्स टू ब्लॉकेट एनिमीज शोर, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, टीवी, सैटेलाइट, एयरलाइंस, पायलट्स, एयर होस्टेस एंड ट्रेवल एजेंट। तो आपको मैं बता रहा हूं ये नीच का मंगल है। हमारे जो भारत की दो कुंडली होती है संजय जी, आप दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूं, एक जो टॉरस लगन की जो 15 अगस्त 1947 को दो जोशियों ने समय निकाल के दिया था, एंशियन टाइम में प्राचीन काल में ये मकर लगन की कुंडली मानी जाती थी 12 महीर के पीरियड में मकर लगन की। तो ये जो कर्क और मकर की जो एक्सिस है इसमें नीच का मंगल आ रहा है। तो भारत के जितने युद्ध हुए हैं आपके चाहे चाइना के साथ हुआ या पाकिस्तान के साथ, तीन हमारे बार हुए हैं। तो हमारे दर्शकों आपकी जानकारी के लिए बता दूं मंडेन एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट है ये, मंडेन एस्ट्रोलॉजी की किताब है। इस मंडेन एस्ट्रोलॉजी में पूरा वार के ऊपर चैप्टर है, इसमें राजाओं के असैसिनेशन के ऊपर पूरा चैप्टर है। मतलब जो राजा किसी देश का राजा की हत्या हो जाती है या किसी कंट्री के ऊपर नाना प्रकार के कष्ट आते हैं, तो अलग अलग चैप्टर है क्योंकि ये सब्जेक्ट ही मंडेन एस्ट्रोलॉजी का है। तो इसमें वार के ऊपर बताया गया कि जब जब भारत की टॉरस और स्कॉर्पियो की एक्सिस पीड़ित होती है या मकर और कैंसर की कैंसर और कैप्रिकॉन की एक्सिस पीड़ित होती है तो उस समय भारत किसी तरह के संकट में दुश्मनों के साथ युद्ध जैसी हालात बनते हैं और युद्ध हुआ भी है। तो इसमें मैं देख रहा हूं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चाइना के साथ किसी तरह की झड़प का इंडिकेशन है, बॉर्डर पर हिंसा आ रही है और भारत के ऊपर जो अभी आरोप लग रहे हैं ये आरोप पूरी तरह से दुनिया में और ज्यादा सीरियस लेवल पर बढ़ेंगे क्योंकि तीसरा घर जो होता है वो ग्रोथ का होता है। ग्रोथ के हाउस एस्ट्रोलॉजी में 3, 6, 10, 11 माने गए। किसी चीज का एक्सपेंशन संजय जी तब होता है कि जब उसमें आपके पाप ग्रह पहुंच जाए या उस ग्रह उस हाउस से संबंध बना रहा। तो चूंकि 12वें घर का लॉर्ड आ रहा, 12वां घर हमारा ह्यूमिलेशन का, निरंतर मैंने आपके हर प्रोग्राम में बताया कि नाना प्रकार के लॉस 12वें घर से देखे जाते हैं। तो 12वें घर के मैं जल्दी से सिग्निफिकेंस पढ़ के बता देता हूं दर्शकों, आप ये सारा मैटर आपका क्लियर हो जाएगा। वॉर, लॉसेस, एस्पिनेज, सीक्रेट प्लॉट्स, हॉस्पिटल, एसासिनेशन, आर्सन, लूट, रेप्स, सेडिशन, ट्रेसन, एनिमीज, फॉरेन स्पाइज, किडनैपिंग, कॉन्स्पिरेटर, सीक्रेट ट्रीटीज, गैम्बलिंग, क्रिमिनल्स, प्रोस्टिट्यूशन, ब्लैकमेल, बॉटलगर, डिसेप्शन, फोर्जरी, सीक्रेट सर्विस, डिटेक्टिव्स, पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज, एसाइलम, स्लेवरी, एक्साइल, एक्सटाडिशन ट्रीटी, मिसफॉर्चून, पॉवर्टी और स्कैंडल्स नाना प्रकार के। और छठवां घर जो होता है वो हमारा आपका और होता है एपेडेमिक्स, प्रॉपर्टी इन फॉरेन कंट्री, स्मगलिंग और लाइफ इन फॉरेन कंट्री, सक्सेस अब्रॉड। आपको पता है बीजेपी के जब चार्ट मैंने दिखाई थी आप लोगों को, तो बीजेपी के चार्ट में मैंने बताया था, ये बीजेपी के चार्ट में मैंने बताया था दर्शकों, ये बीजेपी का चार्ट है कि बीजेपी के चार्ट में दरअसल ड्रग्स स्मगलिंग, ड्रग्स का, काले धन को बाहर भेजने का पूरा योग है। इसके कारण इसीलिए 2010 से 2014 से इस सप्ताह में नाना प्रकार की चीजों के इस तरह के आपने देखा कि कितने बड़े बड़े ड्रग्स के कार्टेल पकड़े जा रहे हैं। और दर्शकों को जानकारी के लिए बता देता हूं दर्शकों, जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो हमारे जो देश के टॉप जो आपके कॉर्पोरेट हाउसेस थे
उन लोगों की टोटल वेल्थ अप्रोक्सीमेटली 29 लाख करोड़ होती थी, 29 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेट वेल्थ थी, जो कि अभी रिसेंटली वो 10 वर्ष में 3 times से भी ज्यादा बढ़ गई है, 93 लाख समथिंग करोड़ होगा। तो पैसा किसके पास जा रहा है? पैसा केवल वो कॉर्पोरेट के पास गया और आम आदमी गरीब होता चला जा रहा है। इसमें कोई हमारी जो है क्या नाम है मीडिया और वो सब नहीं दिखा रहे हैं। और छठवां घर होता है, 6th house होता है आर्म फोर्सेस, टेररिस्ट अटैक्स, वॉर, लेबर अनरेस्ट, स्टेट लोन्स, डेट्स, मेडिकल सर्विसेज, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, नेशनल फूड सप्लाई, सर्विस क्लास, अंडर प्रिविलेज। तो ये मैं संजय जी इसलिए मैंने आज आपको बात बताई क्योंकि ये जो तीसरे घर का मंगल है इसकी चौथी दृष्टि छठवें घर पर भी जा रही है। तो छठवां घर, नौवां घर, दसवां घर, और ये शनि को पीड़ित करेगा। ये मंगल जो है आठवीं दृष्टि से शनि को पीड़ित करेगा। शनि की 2 राशियां इसकी गिरफ्त में आ रही है इस मंगल की। सो ये जो 4 महीने हैं ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए बहुत डिफिकल्ट हैं। अब आ जाता हूं मैं, एक चीज और मैं बता देता हूं, अब आता हूं एक कुंडली के जो आपने जो चर्चा की थी उसको मैं बता देता हूं इस हॉरोस्कोप में। ये है अमित अनिल भाई शाह की, इनका पूरा नाम है अमित अनिल चंद्र शाह, 22 अक्टूबर 1964 की जन्म है, सुबह 5:23 मिनट 35 सेकंड का मुंबई का बर्थ, कन्या लगन की कुंडली है ये। कुंडली हमने पहले भी एक बार चर्चा की थी, सूर्य बुध इनके दूसरे घर में है, शनि इनके छठवें घर में, अपने घर का, इसीलिए बहुत करेजियस और बोल्ड बहुत है ये, और चंद्रमा इनके 8वें घर में है, शनि से पीड़ित हो रहा है तीसरी दृष्टि से, बृहस्पति इनके 9वें घर में है, धार्मिक रिच माइंडसेट के आदमी तो है ये, और राहु और केतु इनके 4th और 10वें घर में है, मंगल इनका नीच का है और 11वें भाव में है, और शुक्र इनका 12वें घर में है जो शनि से पीड़ित हो रहा है, और शनि किससे? 8वीं दृष्टि से मंगल से पीड़ित हो रहा है। दर्शक देख लें कि शनि के ऊपर नीच के मंगल की दृष्टि आ रही है। अब इनका जो गोचर में जो 20 अक्टूबर को जो मंगल आ रहा है वो जन्म के मंगल से गोचर करेगा। दर्शकों जो मैंने अभी सिद्धांत बताया था कि जब भी जन्म के ग्रह के ऊपर से कोई गोचर का ग्रह पास करता है तो कोई भी भयंकर कष्ट आपके लिए आने वाला है। तो मैं दर्शकों जानकारी के लिए बता देता हूं कि मैंने बीजेपी की जो हॉरोस्कोप चर्चा की थी, ये आपकी वर्षफल है, ये वर्षफल की कुंडली भी मैंने दर्शकों दिखाई थी बीजेपी की हॉरोस्कोप में, कि इसमें मुंथा जो है छठवें घर में जो 12वें घर को देख रही है और मंगल और शनि सब इकट्ठे हैं, इनकी कुंडली में कन्या लगन की कुंडली जो अमित शाह का ही हॉरोस्कोप बनता है, 6वें घर में मंगल शनि चंद्रमा और मुंथा है, और 7वें घर में शुक्र राहु सूर्य है, और बुध इनका लग्नेश होकर के अष्टम भाव में बृहस्पति के साथ है। तो इनका जो 12वां घर होता सिंह राशि बनी सूर्य। तो दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूं, ये राइटअप आप दिखा दीजिएगा, इसमें मैंने नीचे की तरफ लिखा हुआ है कि इनकी विदेशों में छवि और बिगड़ेगी, जनता का इनसे मोह भंग होगा, इनका निरंतर प्रतिष्ठा निम्न स्तर पर चली जाएगी, भ्रष्टाचार अनैतिक राजनीतिक पॉलिसी एक्शन के कारण गिरता जाएगा। आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूं कि जिस FBI ने जिसको अभी भगोड़ा साबित किया है विकास यादव को, उस विकास यादव को दिल्ली पुलिस ने भगवान जाने किसको कवर अप करने के लिए, किसको बचाने के लिए उसको अरेस्ट कर लिया है। क्योंकि अभी कल के ही मैंने कहीं न्यूज में पढ़ा था कि विकास यादव को अरेस्ट कर लिया है, जिसको अमेरिका मोस्ट वांटेड, मतलब वांटेड है अमेरिका में वो। और जिस तरह से ये जो सब चीजें हुई हैं, तो एक अमित शाह जी के लिए मैं बता देता हूं खतरे का समय है, कि अमित शाह जी के 6वें घर में शनि गोचर कर रहा है और उनका जन्म का शनि भी वही है 6वें घर में, और 8, 11वें भाव से नीच का मंगल जो उनके जन्म के मंगल से गोचर करेगा, तो अमित शाह जी की हेल्थ के लिए किसी तरह के कैंसर के बढ़ने के समाचार आ रहे हैं। क्योंकि इनकी जो बीमारी है आपको बता दूं, ही वाज जेल्ड इन द, आप क्यों ऐसी बातें बोल रहे हैं? आप बोलते नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि अमित शाह जी के लिए बहुत कष्टकारी समय है इनके। मैंने इसकी कुंडली में कई सारी घटनाओं को इसमें मैच किया था। इनकी मदर 8 जून 2010 को डेथ हुई थी इनकी, ये 25 जुलाई 2010 को अरेस्ट हुए थे, 3 महीने जेल में रहे थे, और 29 अक्टूबर 2010 को उनकी जमानत मिली थी। एंड ही वाज ऑपरेटेड फॉर लिपोमा इन कोई बीमारी है जिसमें सिस्ट हो जाती, गांठ हो जाती जो गर्दन में हुई थी, वो 2019 में हुई थी, तब भी इसी तरह की दशा चल रही ग्रह की। और अगेन इनको एम्स में 2 अगस्त 2020 को एडमिट किया गया था,
एक महीना करीब रहे थे, उस समय भी इन्हीं इसी तरह के राहु में इनकी दशा थी, राहु में शनि की दशा आ गई। वर्तमान में इनकी दशा गुरु में शनि की चल रही है और शनि इनका भयंकर पीड़ित है नीच के मंगल से, जो गोचर में भी उस जगह से गोचर कर रहा है। और अमित शाह जी के लिए बहुत कष्टकारी है। और अमित शाह जी की कुंडली में आपको एक और बताते हैं, वाणी दोष है, इसीलिए ये कभी कभी रफ इतना बदतमीजी से या रफ बोल देते होंगे जो दूसरों को खराब लगता होगा। एरोगेंट बिहेवियर है इनका, क्योंकि इनका मंगल की जो नीच के मंगल की दृष्टि सूर्य और बुध पे जा रही है, जो इनके आपके सेकंड हाउस में। और आपको बता देता हूं, मंगल इनका 64 नवांशा लॉर्ड है और सन इनका 22nd द्रेष्ठ लॉर्ड है। अमित शाह जी का जन्म 22 अक्टूबर का है और आज हम 20 अक्टूबर को प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये अमित शाह जी का जन्म आ रहा है, इसलिए अमित शाह जी की कुंडली मेजर को मैंने कहा भाई ज्योतिषी का कुंडली डिस्कस करने का एकमात्र ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई लोग अपनी पूजा पाठ अर्चना करके कुछ अपने कष्ट को कम करने के लिए प्रार्थना ईश्वर से कर सकते हैं। तो मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा, अमित शाह जी को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि उनके लिए किसी तरह से विदेश से कोई, क्योंकि भारत की कुंडली जो मैंने दिखाई थी उसमें भी भारत के किसी महत्वपूर्ण नेता के ऊपर, क्योंकि भारत की कुंडली में नीच के मंगल की 10वें घर पर 9वें घर पर है, जो संवैधानिक पद पर बैठा हो, मंत्री पद हो या किसी इस तरह के ऊपर प्रॉब्लम आने वाली है। इनका नाम अभी आया और दशकों में जानकारी के लिए बता देता हूं, वाशिंगटन पोस्ट कोई छोटा मोटा अखबार नहीं है, वाशिंगटन पोस्ट आपका या आपके यहाँ का गोदी मीडिया नहीं है, वाशिंगटन पोस्ट वो अखबार है जिसकी एक रिपोर्ट के ऊपर निक्सन को इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू हुआ था और उनको अल्टीमेटली रिजाइन करना पड़ा था। तो उस वाशिंगटन पोस्ट में नाम आ जाना ये भारत के लिए बड़ा चिंता का विषय है। और अमित शाह जी की कुंडली जो है बहुत अच्छा जो है समय नहीं बता रही है। चलते चलते एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं, बीजेपी की हॉरोस्कोप जो दर्शकों मैंने आपको दिखाई थी, आज आपको बता देता हूं, आध्यात्म की बात है, उसके बाद प्रोग्राम हम खत्म करेंगे। हनुमान जी की भक्ति ने भक्ति में हम जब प्रार्थना करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरौ कलेश विकार। कलेश और विकार मैंने कहे तो आज मैं अब दर्शकों आपके लिए एक नई रिसर्च लेकर के आया हूं कि बीजेपी की कुंडली में विकार भी है और कलेश भी है, पांचों प्रकार के कलेश और विकार हैं। उसको जल्दी से एक्सप्लेन करता हूं। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य जीवन में सभी संघर्षों, नैतिक पतन और पापों के कारण पांच विकार, विकार को अंग्रेजी में कहते हैं मेंटल डिसऑर्डर, और पांच कलेश, ट्रिबुलेशन डिस्ट्रेस मिजरी कहा गया उसको। तो पांच विकार क्या है, आपके काम जिसको लस्ट कहते हैं अंग्रेजी में, क्रोध एंगर, लोभ ग्रीड, मोह अटैचमेंट, ईर्ष्या जेलसी। और पांच कलेश क्या है, अज्ञानता, इग्नोरेंस, ईगो, अहंकार, अटैचमेंट, राग, द्वेष, हेट्रेड, एवर्शन और फोबिया, फियर। तो एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है बीजेपी की कुंडली में, जो क्यों मैं कह रहा हूं, बीजेपी की कुंडली में पांचों विकार हैं और पांचों प्रकार के कलेश भी हैं, इसीलिए ये पार्टी कभी भी देश में हारमोनी पीस नहीं ला सकती। वो क्यों है, इनके चार ग्रह, दर्शकों ज्योतिष का एक रिसर्च है, इनके चार ग्रह थर्ड हाउस हमारा काम का भाव माना गया और पीड़ित है। वक्री मंगल है वहीं पर, वक्री गुरु है, वक्री शनि है और राहु है। वक्री मंगल छठवें भाव झगड़े का भी, झगड़े के घर का स्वामी है, इसलिए क्रोधी और विंडिक्टिव है बीजेपी। थर्ड हाउस में राहु शनि पीड़ित होकर के टॉक्सिकेशन, ड्रग्स वगैरह का रीजन और लालच का कारण भी बताते हैं। वीक मून इन सिक्स हाउस, इमोशनली वीक, कंफ्यूज एंड फोबिया है इनके। नौवें घर में सभी पाप ग्रहों से पीड़ित बुध, जिसको कपट योग बनता है, चुगली, निंदा करना, झूठ बोलना और ईर्ष्या का कारक है। पांच कलेश क्या है, वक्री गुरु, राहु गुरु चंडाल योग बना रहे हैं, जो अज्ञानता का कारण है, क्योंकि कलेश में मैंने अज्ञानता कहा था, क्योंकि गुरु चंडाल योग है तो अज्ञानता का कारक है, इनके में अज्ञानता भी है इस पार्टी में। सूर्य दसवें घर में शनि से पीड़ित है, मंगल के द्वारा एस्पेक्टेड है, जो रूथलेस गवर्नेंस विद प्राइड एंड ईगोइस्ट एटीट्यूड्स को सिग्निफाई करता है। चंद्रमा इनके छठवें भाव में डिजायर के घर है और वीक है, इंडिकेट करता राग को। वक्री और पीड़ित गुरु और बुद्धि का कारक पीड़ित बुध नौवें घर में लैक ऑफ विजडम के कारण हेट्रेड द्वेष को बताता है। नीच का चंद्रमा मंगल से पीड़ित छठवें भाव में फोबिया, ओसीडी, स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी का संकेत देता है। तो ये इनकी कुंडली में नाना प्रकार के पाप और नैतिक पतन के योग हैं, इसके कारण ये पार्टी ऐसा बिहेव करती है और पूरी दुनिया में इस पार्टी की बदनामी हो रही है। जो 2010 में 14 में आए थे वो आज दर्शक एनालाइज कर सकते हैं
24 तक हमने क्या देखा क्या पाया, इसके साथ ही हम कृपा करूं गुरुदेव की नाई। जय श्री राम, जय राम। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, इतना समय दिया, आभार, थैंक यू। तो ये थे राजीव जी, और आपने सुना कि कितनी जबरदस्त बातें आज इन्होंने की हैं। मुझको यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।